आईआईटी नवा रायपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विद्यार्थियों को मेडल तथा डिग्री प्रदान की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप अपने ज्ञान और इस संस्थान से प्राप्त प्रशिक्षण का उपयोग राज्य और देश के निर्माण में करें, आप अपने कैरियर का निर्माण करें, दुनिया की सेवा करें, लेकिन आपके ध्यान में राष्ट्र और राज्य सर्वप्रथम होना चाहिए। ट्रिपल आईटी सूचना प्रौद्योगिकी में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करता है। मैं वर्चुअली जुड़े राज्यपाल महोदय आदरणीय विश्वभूषण हरिचंदन जी, आदरणीय उमेश पटेल जी, कवासी लखमा जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार सिन्हा जी, आदरणीय स्टीवन पिंटो जी, कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष आर के मिश्रा जी, डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी, पूर्व डायरेक्टर जनरल डीआरडीओ प्रोफेसर वर्मा जी, सुजीत बख्शी जी और मंच में उपस्थित सभी अतिथिगण, उपस्थित सभी छात्र छात्राएं और सभी उपस्थित देवियों सज्जनों, ट्रिपल आईटी नवा रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह के आप सभी को बधाई शुभकामनाएं। दीक्षांत समारोह का अवसर छात्रों और शिक्षकों के जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। जिन छात्रों ने कड़ी मेहनत, समर्पण और अनुशासन के माध्यम से अपने अध्ययन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है, उन सभी इस उपलब्धि के लिए आज उनके लिए गर्व का दिन है। जितना गर्व विद्यार्थियों को अपनी साधना पूरी होने पर हो रहा है, उतना ही गर्व संकाय सदस्यों और परिजनों को भी हो रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि इस दीक्षांत में शामिल विद्यार्थी अपने ज्ञान और प्रशिक्षण का उपयोग स्वयं के उज्जवल भविष्य के निर्माण के साथ साथ राज्य और राष्ट्र के निर्माण में भी करेंगे। अभी एक छात्र जो विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हैं, उनको हम लोगों ने बधाई दी और मिश्रा जी ने कहा कि लौट के हिंदुस्तान फिर से आना है। तो इसलिए दुनिया की सेवा तो करें, लेकिन आपके ध्यान में प्रदेश और राष्ट्र पहले होना चाहिए। ट्रिपल आईटी नया रायपुर न केवल छत्तीसगढ़ के छात्रों को बल्कि अन्य राज्य के छात्रों को भी सूचना प्रौद्योगिकी और संबद्ध विषयों पर विश्व स्तरीय तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है। प्रदेश में 44% जंगल है। सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिक कृषि और वानिकी के साथ साथ ग्रामीण आबादी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उदाहरण के लिए कृषि में यह मौसम की भविष्यवाणी, स्मार्ट कृषि, रिमोट क्रॉप मॉनिटरिंग, स्मार्ट हैंडलिंग, कृषि उत्पादों के परिवहन आदि के रूप में मदद कर सकती है। और आजकल तो दवाई छिड़काव ड्रोन से भी होने लगा है, तो उसका भी अच्छा से जो साधारण व्यक्ति भी उसको संचालित कर सके, ऐसे कुछ शोध होना चाहिए, तो इसका लाभ किसानों को मिल सके और उनके कार्य क्षमता में वृद्धि हो सके। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि ट्रिपल आईटी नया रायपुर में कृषि वानिकी और ग्रामीण विकास की दिशा में अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि ट्रिपल आईटी नया रायपुर और यहां विद्यार्थी राज्य के लोगों की बेहतरी में योगदान दे रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के सहयोग से साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, नवीन विचारों को खोजने के लिए हैकाथान आयोजित करना, राज्य योजना आयोग को तकनीकी सलाह प्रदान करना, छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के लिए गोड़ी भाषा ऐप विकसित करना, आसपास के गांवों को गोद लेना और उन गांव के बच्चों को उनकी पढ़ाई में मदद करने के लिए कक्षाएं आयोजित करना, जैसे कि डॉक्टर सिन्हा ने आप सबको जानकारी दी है और आप सब उसके भागीदार बने हैं। महामारी के दौरान जागरूकता अभियान चलाना, इस संस्थान से स्नातक करने वाले पिछले 4 बैचों में ट्रिपल आईटी नया रायपुर से कुछ सर्वश्रेष्ठ पेशेवर को तैयार करने पर राज्य को गर्व है।
इन पेशेवरों को पूरी दुनिया में प्लेसमेंट मिली है और वे जहां भी हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे पता है कि वर्तमान स्नातक बैच के सभी छात्रों ने भी दुनिया के कुछ बेहतरीन कंपनियों या शैक्षणिक संस्थाओं में अपनी पसंद के अनुसार नौकरी या प्रवेश प्राप्त किया है। मैं ट्रिपल आईटी नया रायपुर की टीम को राज्य में इस संस्थान के निर्माण और इतने कम समय में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए बधाई देता हूं। मैं छत्तीसगढ़ के नागरिकों की ओर से देश के विभिन्न हिस्सों से स्नातक करने वाले सभी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ का चयन करने के लिए बधाई देता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी से अपील करता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के विकास में जिस तरह भी संभव हो योगदान दें। मैं आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। इस दीक्षांत समारोह की आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।